देश में अगर किसी का विकास नजर आया है तो जो विकास है वो अमित शाह का बेटा है, जिसकी इनकम सरकार बनने से पहले मात्र 50,000 थी, आज 80,000 करोड़ होगी। तो विकास तो अमित शाह के बेटे का हुआ और मोदी जी का हुआ। वादा किया देश के अंदर काला धन वापस लेकर आने का वादा किया, गरीबों में सब प्रत्येक नागरिक को 15-15 लाख बांटने का वादा किया, देश की सीमा को सुरक्षित करने का वादा किया, सारा आज केंद्र सरकार का की जाने गीता और गाय, सरस्वती और गंगा, सरस्वती की खुदाई करेंगे। हरियाणा का मुख्यमंत्री कहता है, मोदी जी कहते हैं हम गंगा की सफाई करेंगे। हम ये कहते हैं इस देश के अंदर जो सरकार चलाने वाले लोग हैं, सबसे पहले अपने मन की सफाई करें, अपने मन को शुद्ध करें, क्योंकि गुरु रविदास महाराज ने कहा मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर मन ठीक हो जाएगा तो सारा सिस्टम ठीक हो जाता है। इनकी तो जो मन मानसिक तौर पर ये लोग बीमार हैं, कमज़ोर हैं, इनको अपना मानसिक तौर पर सिस्टम ठीक करना चाहिए। सर आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? हम जनता से अपील करना चाहते हैं कि हरियाणा में जो खट्टर साहब की सरकार बनी है ये बिल्कुल फेल सरकार है। नारी को सुरक्षा देने में हमारी बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, आज पूरे प्रदेश में कानून शासन नाम की चीज़ नहीं है। हम हरियाणा की जनता से अपील करते हैं कि देश से केंद्र की जो मोदी साहब की सरकार है, जिसने एक भी वादा पूरा नहीं किया उसे हटाएं। हरियाणा की जनता से अपील के खट्टर साहब की सरकार को हटाएं और बहुजन समाज पार्टी, जो गरीबों की, किसान की, मजदूर की, व्यापारी कर्मचारी की बात करने वाली पार्टी, इसका राज लेकर के, यही हमारी अपील जनता से। धन्यवाद सर।